दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। शिव मंदिर उदासीन आश्रम कबीर विहार बस्ती बाबा खेल के महंत बाबा राजकिशोर की अध्यक्षता में मंदिर परिसर में बनाए जाने वाले गुंबदों के नवीनीकरण के उपलक्ष्य में श्री सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा राजकिशोर ने श्री सुंदरकांड के पाठ की चौपाइयों की संपूर्ण व्याख्या कर आए हुए भक्तों को कृतार्थ किया। इस दौरान बाबा राजकिशोर ने समूह भक्तों से मंदिर के नवीनीकरण में दान देने की अपील की। हर महीने के अखीरला जो इतवार है उस दिन शिव मंदिर उदासीन आश्रम महंत राजदास जी की अध्यक्षता में महीना के अंतिम इतवार को सुंदरकांड का पाठ रखा जाता है और संगत की तरफ से जो लंगर पानी का आयोजन किया जाता है। आज बड़े धूमधाम से सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और मंदिर का जो आगे की उन्नति के लिए कार्य शुरू होने जा रहा है आज इसके उपलक्ष्य में भी सुंदरकांड रखा गया है। मंदिर का जो गुंबद है उसका आज शुभारंभ हुआ है। मंदिर का गुंबद जरूरी है और शहरवासियों से अपील है कि इस शिव भगवान भोलेनाथ का मंदिर जो है सावन के पहले सोमवार से शुरू हुआ था और सावन में शिव भक्तों से अनुरोध है कि मंदिर के गुंबद के लिए खुल के दान दें। जो मंदिर के गुंबद में दान दिया जाता है जैसे भगवान भोले का मंदिर जो है गुंबद तैयार हो रहा है, दान देने वाले का भी हमेशा जैसे गुंबद की ऊंचाई है उनकी भी आस्था की ऊंचाई बनी रहती है। भगवान उनका भी गुंबद की तरह ही इस संसार में ऊंचाई बनाई रखे।